नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल लर्निंग टाइम में स्वागत है। तो मैं आज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की एक और है ना लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर हूँ। तो मैं बता दूँ आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय परीक्षा का पूरा सिस्टम बेपटरी पर है, मतलब बिल्कुल कुछ भी तरीके से सही नहीं चल रहा है। परीक्षा की नहीं किसी को सुध, सिर्फ प्रवेश की फिक्र हो रही है, परीक्षा से बेफिक्र यूनिवर्सिटी। 2014 में BMS की पढ़ाई के लिए छात्रों ने प्रवेश लिया। सत्र 2014 से 15 छात्रों की अंतिम परीक्षा 2018 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन यूनिवर्सिटी छात्रों का प्रवेश देने के बाद भूल गया कि छात्रों को पढ़ाई अभी तक पूरी नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी 2021 में अंतिम वर्ष कराने का ऐलान किया है। हालांकि परीक्षा के बाद परिणाम तक का प्रक्रिया यूनिवर्सिटी में इतनी जटिल है कि कोर्स पूरा होने में अभी तक समय लगेगा। दूसरा तो ऐसा हालात है कि यूनिवर्सिटी में चेयर है ना अंग्रेज के चेयर में छात्रों को प्रवेश परीक्षा के माध्यम से 2018 में प्रवेश दिया गया। काउंसलिंग के माध्यम से छात्रों को अंबेडकर चेयर अलॉट की गई। इसके बाद अभी तक LLM की एक भी परीक्षा विश्वविद्यालय में नहीं कराई गई है। 1000 से अधिक कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी से संबंधित, 4.5 लाख से अधिक कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में से पढ़ाई, 3000 से अधिक छात्र हैं आवासीय संस्थानों में। छात्र आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, तब यूनिवर्सिटी को पता चलता है कि क्या समस्या है। यूनिवर्सिटी बिल्कुल भूल चुका है कि 8 साल में पूरी हो रही है पढ़ाई किसी भी चीज़ की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से प्रवेश लेने के बाद परीक्षा और परिणाम मिलना आसान नहीं है। यूनिवर्सिटी कई परिक्रमों में परीक्षा समय से तो कराता ही नहीं है, पूरा समय पूरा वो बेपटरी पर चल रहा है। ये कुलपति भी यूनिवर्सिटी परीक्षाओं की व्यवस्था के बदलाव की तैयारी चल रही है, एग्ज़ाम ऑटोमेशन की दिशा में कदम उठाए गए हैं। देखिए क्या होता है दोस्तों, यूनिवर्सिटी का तो अभी हाल बुरा चल रहा है, लेकिन दोस्तों हो सकता है आने वाले समय में इसका हाल सही हो जाए। कुछ कॉलेज वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे दूसरी यूनिवर्सिटी में, तो हो सकता है काफ़ी सही लाइन पर आ जाए। तो चल रहा है, लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके मेरे ख्याल से तो कुछ ना कुछ नया सॉल्यूशन निकलेगा। दोस्तों हिम्मत बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।